व्यूअर्स और लोगों स्वागत है और एक नया व्लॉग में। मैं आज आया हूँ साखी गोपाल में जाऊँगा, क्योंकि आज जाऊँगा मैं पूरी। साखी गोपाल मेरा है, मेरा दीदी का घर है। क्या हुआ? साखी गोपाल मेरा दीदी का घर है, दीदी के पास रुकूँगा अभी, फिर जाऊँगा मैं पूरी घूमने के लिए। अभी एक सब्सक्राइबर का मेरा कमेंट आया था कि भाई उड़िया में ब्लॉग करो, क्योंकि मैं उड़िया में ब्लॉग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बहुत देर बाहर से है, तो इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग देख पाएँ वीडियो को। अगर बहुत सारे लोग का कमेंट आएगा तो ओडिया में ब्लॉग करेंगे हम। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे आपको अच्छा लगता है। मैं वीडियो अगले वाले वीडियो में, अगले जो वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं ठीक करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं साकी गोपाल में पहुँच गया, आगे राजसनाखल से मैं आया ट्रेन से, अभी जाऊँगा बस में, क्योंकि यहाँ से तो 15-18 किलोमीटर है, तो यहाँ से जाऊँगा मैं बस में। यहाँ पे और एक आया है, मेरे मामा जी आए हैं और मेरा मामा जी का लड़का। तो अब यहाँ के पहुँच गए सी बीच में, कल हम जाएंगे मंदिर, आज नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बताया तो था मंदिर बंद है। मंदिर जाके, मंदिर तो बंद नहीं है, मंदिर खुला है, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है, दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही हम कल जाएंगे सुबह सुबह मंदिर। अभी आगे सी बीच में मेरे पीछे देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखाऊँ सारे नज़ारा। अभी मेरा मामा जी वहाँ पे है, ठीक है। अब खाना तो खा के आए थे, अभी देखते हैं जो भी कुछ आगे होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। चलिए समंदर किसी का चीज नहीं लेता है, जो चीज फेंका जाता है वो वापस आ जाता है, ये जरूर आएगा। वो है चारा, आ रहा है। आदियोगी का बनाया है भैया बालू का स्लिप पे। भैया ने लाइट हाउस जो दिख रहा है खाएंगे इधर। केकड़ा चिंगड़ी, वाव
भैंस और गदार। मॉर्निंग व्यूअर, कल तो आप दिखाए था सी बीच, आज दूसरा दिन है पूरी में। आज हम घूमेंगे मंदिर, उसके बाद जो भी कुछ होगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। मेरे पीछे आ रहा है मेरे मामा जी और मामा जी का लड़का। मंदिर दर्शन करने के बाद प्रसाद खाएंगे अंदर, फिर उसके बाद आएंगे। अंदर तो हम फ़ोन नहीं ले सकते, बाहर हमको फ़ोन रखना पड़ेगा। मंदिर आप लोग को उधर देखो दिखाई दे रहा है ये मंदिर। भीड़ है लेकिन इतना भीड़ नहीं है। रथ यात्रा का टाइम तो आप पैर भी नहीं रह सकते, इतना भीड़ होता है। ऊपर से देखेगा तो पूरा सर ही सर दिखेगा। तेरा कुछ अलग की कथा है, जैसे मंदिर का शैडो नीचे नहीं पड़ता है और जो ऊपर अशोक स्तंभ होता है, आप किसी भी कोने में दिखेगा तो आपकी तरफ दिखेगा वो। वो तो महिमा है जगन्नाथ जी का। यहाँ पे रथ बना रहे, देखिए मैं आ गया। 1 तारीख को रथ यात्रा है, रथ बना रहे। पूरी तो मैंने काफ़ी बार आ चुका हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। मेरे घर से तो पूरी 1 किलोमीटर मात्र। आगे का हिस्सा है मंदिर का। ये जो है इसमें प्रसाद बना जाता है। अपना बैग और शू रख देंगे फिर जाएंगे मंदिर में। पहले हम मंदिर दर्शन कर दिए, जगन्नाथ जी को तो अंदर रखा गया है देवस्नान पुण्य के बाद। उनका प्रतिच्छवि है जो दर्शन कर सकते हैं, वो स्पेशल दर्शन होता है। क्योंकि मंदिर तो है, मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, है लेकिन अंदर है, कोई नहीं देख सकता। भक्ति चाहे नारायण का हो या महादेव का, दोनों का मार्ग एक ही तरफ ही ले जाता है। क्योंकि महादेव के हृदय में नारायण वास करते हैं, नारायण के हृदय में महादेव। ठीक है, अभी थोड़ा इधर घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ दिक्कत होता है कि वीडियो में कुछ कमी लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर ठीक करूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जगह में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।